हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, दिस इज सौरव। सो अगर यार आप मास्टर्स कर रहे हो या फिर आप अपनी जो मास्टर्स करना चाहते हो या फिर आपने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यार आज हम उन करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे जो आप अपने मास्टर्स के बाद, यहाँ बेसिकली मैं MSc की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद जो है आप चूज़ कर सकते हो। और पहली बात तो ये जितनी भी सारी करियर फील्ड्स हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये हाई सैलरीड हैं, सारी की सारी जॉब्स हैं तो वो हाई सैलरीड जॉब्स हैं। और करियर के मामले में या फिर जॉब के मामले में या फिर जो सैलरी और पर्क्स के मामले में ये टॉप लिस्ट के अंदर आती हैं। दूसरी चीज़, बहुत से स्टूडेंट्स को यार इनके बारे में पता भी नहीं होता, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट इवन नो अबाउट देम। प्लस मैं कोई भी ऐसे करियर फील्ड के बारे में बात नहीं करूँगा जो आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, नहीं। आज सिर्फ उन करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, उन करियर फील्ड्स की हम बात करेंगे जो आप MSc के बाद ही कर सकते हो, बेसिकली जिनमें आपकी MSc रिक्वायर्ड है, आपकी MSc ज़रूरी है, मतलब, और MSc के बिना आप ये जॉब नहीं कर सकते, ये करियर फील्ड्स में नहीं जा सकते हो। और साथ के साथ एक चीज़ और यार, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट का होगा, जो आपकी लाइफ के 7 से 8 मिनट लेगा। और अगर आपने वीडियो स्टार्ट कर दिया तो यार इसको पूरा ज़रूर देखना, क्या पता आपको कोई नई चीज़ जानने को मिल जाए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, वीडियो को लाइक। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की जॉब्स के बारे में, तो उसके अंदर हमारी पहली जो जॉब आती है वो है साइंटिस्ट या फिर साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब। तो ये ग्रुप ए की जॉब है, तो सैलरी पर्क्स वगैरह भी ग्रुप ए वाले ही मिलते हैं ऑब्वियसली। और इन जो जॉब्स की, अब ये जो जॉब्स हैं ये प्रोवाइड कौन करेगा, कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये जॉब प्रोवाइड करते हैं, और या फिर कौन कौन से ऐसे पब्लिक सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हैं जिनके अंदर ये जॉब्स हमें मिलती हैं, साइंटिस्ट या फिर साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब। तो इसकी लिस्ट यार काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको मैंने एक जगह लिख लिया था, तो मैं आपको उस लिस्ट में आपको अलग अलग नाम बताऊंगा, तो उनको प्लीज़ ध्यान से सुनना। सबसे पहले नाम आता है बार्क का, BARC, भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर। तो इसकी जो साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए आपका एक रिटन एग्ज़ाम होता है, देन आपका एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब के लिए रिक्रूट किया जाता है। इसमें मेनली MSc फिजिक्स, MSc मैथमेटिक्स और MSc केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जा सकते हैं। और अब जितनी भी हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे उसके अंदर आप, मतलब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो हैं उनके ऊपर जाके चेकआउट कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर जॉब के लिए किस MSc डिग्री की जो है रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो नाम होता है वो है हमारा SAC, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है साइंटिफिक ऑफिसर या फिर साइंटिस्ट की जॉब के लिए। आपका एक रिटन टेस्ट होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है, और फिर आपको जॉब के लिए रिक्रूट किया जाता है। नेक्स्ट जो नाम आता है वो हमारा BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारा ICAR, ICAR, इंदिरा गांधी एटमिक रिसर्च सेंटर। और इसके अंदर भी वही, आपने अगर MSc किया है तो आप यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो आता है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इसके अंदर स्पेशली जो MSc फिजिक्स हैं उनके लिए ज़्यादा पोस्ट अवेलेबल रहती हैं, ज़्यादातर मौसम विज्ञान से जो है ये रिलेटेड है। और नेक्स्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो वो है हमारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये किसी भी साइंस के स्टूडेंट के लिए इसरो में जाना या फिर इसरो में साइंटिस्ट बनना एक ड्रीम हो सकता है। और इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जॉब करना या फिर एक साइंटिस्ट होना अपने आप में एक प्राउड फीलिंग है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो वो है हमारा TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसके अंदर यार स्पेशली MSc फिजिक्स और MSc मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वही यहाँ से PhD कर सकते हैं, और उसके लिए आपको TIFR का जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये भी एक गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है, लेकिन ये एक स्पेशल तरह की जॉब है। और इस स्पेशल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ MSc फिजिक्स वालों की जो है उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बस वही जा सकते हैं बेसिकली। अगर आपने MSc फिजिक्स किया है तो आप इस करियर फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। तो वो जो जॉब है उसका नाम है जियो फिजिसिस्ट
तो इसका जो है यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और ग्रुप ए की जॉब है यार। और तो यहाँ मैंने जितने भी ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस की बात की तो उनके अंदर एमएससी फिजिक्स और एमएससी मैथमेटिक्स वालों के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बाकी जो एमएससी डिग्री हैं हमारी उनके लिए अब आगे वीडियो के अंदर और भी बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में क्या क्या हैं। बाकी आप जितनी भी मैंने ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस बताई उनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इनके किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए, और उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है गेट का एग्ज़ाम। तो अगर यार आप गेट का जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में IITs, IISc, IISER के अंदर अपनी जो है PhD जो कंप्लीट कर सकते हो, PhD कर सकते हो, और उसके बेसिस पे आपको कई बार प्रोफेसरशिप के लिए डायरेक्ट रिक्रूट किया जाता है ऑन इंटरव्यू बेसिस। नेक्स्ट इसी के अंदर साथ में अगर आपकी गेट के एग्ज़ाम में रैंक काफ़ी अच्छी आती है तो आप डायरेक्ट PSUs के अंदर, गवर्नमेंट PSUs के अंदर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो अगर आपकी गेट में रैंक अगर अच्छी है, बेटर है, तो जो गवर्नमेंट PSUs हैं ये आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। और जैसे ONGC और इंडियन ऑयल और GAIL गेल और SAIL और BHEL, IUCN, NTPSC, तो ये कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट PSUs हैं बेसिकली, और ये आपको डायरेक्ट कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पे ये इनकी जो जॉब्स हैं यार काफ़ी हाई सैलरीड जॉब्स हैं बेसिकली, और गेट में बेटर रैंक से आप ये जो जॉब है वो कर सकते हो। नेक्स्ट की अगर बात करें तो वो है यार मिलिट्री। तो अब आप सोचोगे कि मिलिट्री में जाने के लिए MSc का क्या यूज़, तो या मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो मिलिट्री है उसमें भी साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है बेसिकली, जैसे हमारा DRDO, नेल, एक्सेट्स, तो इसके अंदर आप यार साइंटिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें बेसिकली वही आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना होता है और फिर आपको एक इंटरव्यू क्रैक करना होता है, उसके बाद आप एज अ साइंटिस्ट इंडियन मिलिट्री के अंदर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके अंदर आप रिक्रूट किए जाते हो। प्लस MSc मैथमेटिक्स वालों के लिए एक स्पेशल चीज़ और मैं बताऊं तो वो है यार आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हो एज अ कमीशनड ऑफिसर। अगर आपने MSc मैथमेटिक्स किया है इन एजुकेशन एंड लॉजिस्टिक ब्रांच, सो ये MSc मैथमेटिक्स वालों के लिए एक स्पेशल जॉब क्राइटेरिया है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, करियर फील्ड है। सो या मिलिट्री के अंदर भी आप अपनी MSc करके एज अ करियर चूज कर सकते हो। नेक्स्ट करियर फील्ड की अगर बात करूँ तो वो है यार जूनियर रिसर्च फेलोशिप और लेक्चररशिप। तो इसके अंदर यार आपको नेट JRF क्वालिफाई करना होता है अपनी MSc के बाद। तो उसके बाद अगर आप नेट JRF क्वालिफाई कर लेते हो तो पहला तो आप एक किसी भी कॉलेज के अंदर एज अ एडहॉक लेक्चरर जो है बन सकते हो, और दूसरा आप नेट JRF क्वालिफाई करने के बाद, क्रैक करने के बाद अपनी जो है PhD कंटिन्यू कर सकते हो, विच विल हेल्प यू टू अर्न अ गुड स्कॉलरशिप। और उसके बाद अगर आप अपनी जो PhD है उसको कंप्लीट कर लेते हो देन यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, क्योंकि यार यूनिवर्सिटी के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपने PhD कर रखी हो बेसिकली। और PhD का मैंने दो चार ऊपर भी बताए, जैसे गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप IITs में ISC, IISER के अंदर PhD अपनी कर सकते हो बेसिकली, और TIFR का जो एग्ज़ाम बताया मैंने उसको क्वालिफाई करके आप मैथ्स और फिजिक्स के फील्ड में अपनी जो PhD कंटिन्यू कर सकते हो। एंड में आता है यार हमारा स्कूल लेक्चरर की जॉब। सो इट डजंट साउंड सो गुड टू बी अ टीचर इन स्कूल, बट हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट अ PGT टीचर बेसिकली। और PGT टीचर के लिए आपको जो है CTET का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है अगर मैं सेंटर की बात करूं, अदरवाइज आप अपने जो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके थ्रू भी आप स्कूल में लेक्चरर लग सकते हो। और इस जॉब की अगर मैं बात करूं तो स्कूल लेक्चरर इज़ इट्सेल्फ अ ग्रुप बी पोस्ट एंड स्कूल लेक्चरर इज़ अ गजेटेड ऑफिसर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। सो या सैलरी और पर्क्स भी ग्रुप बी की जो हमारी ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट होती हैं उनके बराबर होते हैं। सो या इट्स अ ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी। तो यार ये कुछ करियर फील्ड थे जिनके अंदर MSc रिक्वायर्ड होती है बेसिकली,
और अगर यार आपको इस वीडियो से कोई भी नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चला हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। प्लस अगर यार आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम ऑन सौरभ बेनीवाल 2105। सो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन फॉर फर्दर वीडियोज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।